हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल फैक्ट 3D में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टेलीग्राम का टॉप बूट के बारे में बताने वाला हूं। एक ही बूट में आपको सभी फीचर मिल जाएगा। लिच बूट जो है, इसमें सभी फीचर मैं आपको बताने वाला हूं वन बाई वन। आप स्टेप बाई स्टेप देखिएगा तो आपको वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक वीडियो को पहले ले लेते हैं। आप अपने फोल्डर से अपलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ से इस वीडियो को किधर गया, इधर से आप एक, या फिर आप जाकर प्रोफाइल में कोई भी एक वीडियो अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो फॉरवर्ड हो जा रहा है। इस बोट में आपको भेज देना है। आप जैसे ही भेजेंगे, आप देख सकते हैं उस प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने इतना ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पहला ऑप्शन है गूगल ड्राइव अपलोडर, यानी कि यहां से आप अपने गूगल ड्राइव में डायरेक्ट ही अपलोड कर सकते हैं। तो ये फीचर आप अपने आप से ही ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद से है वीडियो कंप्रेसर। आप इससे अपने वीडियो का क्वालिटी जो है लो कर सकते हैं। 500 MB करेगा तो उसे 200-300 MB में कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आपको बता दें, ये दो छोड़कर मैं और सभी को आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, ये आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, ऑडियो एंड सबटाइटल रिमूवर। ऑडियो एंड सबटाइटल रिमूवर है, इससे आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। पहले इसे प्रोसेसिंग हो जाने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऑडियो को यहाँ से, जो इस वीडियो में का ऑडियो है, वो रिमूव कर देगा। तो आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ये जो है ऑडियो को रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो आपको अपलोड पर यहाँ पे क्लिक करना है। आपको आप जैसे ही अपलोड पर क्लिक कीजिएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तो वीडियो है लेकिन इसके अंदर वॉइस नहीं है। इस वीडियो का साइज़ देख सकते हैं, जो पहले वाला है उसका देख लीजिए, पहले 6.7 MB। इसमें ऑडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसका जो MB है ज़्यादा है। और नीचे आप चलेंगे थोड़ा तो जो अभी आया है, इसका रिमूव जो वीडियो में से ऑडियो के हैं, तो उसका क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गया। क्यों क्वालिटी लो नहीं हुआ है, इसमें से जो ऑडियो है वो हट गया है, इसीलिए इसका साइज़ जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6.3। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही कम किया है, लेकिन इसमें का ऑडियो हट चुका है। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो आप फिर से वीडियो को अपलोड कर लीजिएगा। तो मैं फिर से फॉरवर्ड कर ले रहा हूँ। तो इसमें आपको फॉरवर्ड कर लेना है इस बोट में। तो आप जैसे ही फॉरवर्ड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट फीचर है ऑडियो एंड सबटाइटल एक्सट्रेटर। इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, डाउनलोडिंग कर लेगा। तो प्रोसेसिंग यहाँ पर ले लिया है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट, आपको रिक्वायरमेंट कह रहा है। तो आप कौन सा इसमें से चूज करेंगे, जो भी आपको चूज करना होगा यहाँ पे आप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको देखने को यहाँ पे सामने मिल जाएगा। आपको जो वीडियो चाहिए तो सिर्फ वीडियो ही आएगा, ऑडियो चाहिए तो सिर्फ ऑडियो ही चाहिए आएगा। तो चलिए पहले ऑडियो को कर लेते हैं। तो ऑडियो पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें का जो वीडियो था, जो इसका वीडियो था, इसका सिर्फ ऑडियो निकाल दिया है। बहुत ही अच्छा इसमें है। आप देख सकते हैं ये 48 सेकेंड का है। तो ये देख सकते हैं ये भी 48 सेकेंड का है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और ये भी कम क्वालिटी में आपको वॉइस इसमें देखने को मिल गया है। 350 के लगभग KB में है, वो भी MB में नहीं है, 350 KB में है। बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इससे एक्सट्रैक्ट हो गया है। आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो फिर से आपको वीडियो को क्या करना है, अपलोड कर लेना है, फॉरवर्ड कर लेना है। आप जैसे ही फॉरवर्ड कीजिएगा, इस बूट में आपको फॉरवर्ड कर लेना है। जैसे ही फॉरवर्ड कर लीजिएगा तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्शन एंड बॉटम एडिटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्शन एंड बॉटम एडिटर पर क्लिक कर रहे हैं। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉरवर्डिंग, यहाँ पे फॉरवर्डिंग
टैग रिमूवर, इसका मतलब आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको फॉरवर्डिंग टैग रिमूवर पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो अपलोड हुआ है, आपको समझ में नहीं आया होगा कि वीडियो ही क्यों अपलोड कर दिया था। चलिए मैं आपको बता देते हैं। तो आप थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा स्क्रॉल डाउन करते हुए, आप पहले वीडियो को देखिए, यहाँ पे जो फॉरवर्ड हो रहा था वो किसी दूसरे जो था ग्रुप रूप से फॉरवर्ड हुआ है मैसेज को, तो इसको रिमूव यहाँ पे कर दिया ये बोट। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव टैग हट गया, वो भी पिछले वीडियो का आपका रिकॉर्ड दिखा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको वीडियो अपलोड कर देगा, इसका फ़ायदा यही है। तो फिर चलिए वीडियो को फिर से अपलोड करते हैं, तो फिर से वीडियो ले लीजिएगा। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं, इसको फिर से उसी बोट में आपको अपलोड कर देना है। अब जैसे ही अपलोड कीजिएगा कैप्शन एंड बटन एडिटर पर जाइएगा, इसमें अभी बहुत सारा फीचर है, आपको लाइन बाई लाइन बता दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो चलिए इस पर क्लिक कीजिए, अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड कैप्शन एंड बटम्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से एक बटम आपको आ जाएगा जो कि लिंक ऑटोमेटिक, उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस पर पहले आपको क्लिक कर देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे एड कैप्शन एंड बटन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको नाम जो टाइटल है उसको लिखने को बोल देगा, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा। तो चलिए मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, उसको सेंड कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे एक और बॉटम आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए एक नंबर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है यहाँ पे सेंड मी बॉटम नेम एंड बॉटम URL दिस फॉर्मेट, आप किस चीज़ का जो है बॉटम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक किसी का भी आप लगा सकते हैं। इसके नीचे जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नीचे कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हेयर इज दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है DK वुड्स, उसके बाद से यहाँ पे लिंक आ गया है https://t.me/DKWoods लिखा है, इसको इसी तरह क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपको नाम लिखना है, जैसे DK वुड्स लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं कोई और रॉयल फैक्ट FACT फैक्ट 3D रॉयल फैक्ट 3D यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। और यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं https://t.me, यहाँ पे कोई भी आप लिंक यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा, यहाँ पे डालने के बाद आपको सेंड कर देना है सिंपली। आप जैसे ही सेंड कीजिएगा थोड़ा सा वेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन मेरा यहाँ पे बन चुका है रॉयल फैक्ट 3D। आपको समझ में आया होगा या नहीं मैं फिर से आपको इसको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप लिंक डालेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। ऐसे ही आप यहाँ से कर सकते हैं, फिर से आप समझ लीजिए फिर से इसको वीडियो को क्या करना है, इसमें फॉरवर्ड कर देना है, सिंपल तरीका, पहले फॉरवर्ड कर देना है उसके बाद से यहाँ पर जाना है कैप्शन एंड बॉटम एडिटर, आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे कैप्शन एंड बॉटम पर जाना है, कैप्शन एंड बॉटम पर जाने के बाद यहाँ से आपको कोई भी टाइटल दे देना है, सबसे पहले टाइटल दिए थे, टाइटल देने के बाद यहाँ पे क्लिक करके कोई भी नंबर नहीं, पहले एक ही सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। तो एक आपको कर लेना है, आप जैसे कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में वहाँ पे मैंने नाम चेंज किया था, यहाँ पे बिना नाम चेंज किए आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसे भी हो जाता है। तो DK वुड यहाँ पे लिखे है तो आप इसी तरह यहाँ पे सेंड कर दीजिए। आप जैसे ही सेंड कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं DK वुड से ही ये यहाँ पे जो है कैप्शन बन चुका है। आप देख सकते हैं ये कैप्शन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट लेगा, वहाँ पे किसी का भी लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक किसी का भी डाल देंगे तो ओपन वो रीडायरेक्ट ओपन कर देता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये एक ट्रिक है इसमें का, तो इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद अब इसको इसी वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो
इस वीडियो को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड कर लेना है। इसे फॉरवर्ड करने के बाद बूट में आपको जो है इस बूट में आपको भेज देना है। अब जैसे ही भेज देंगे आप फिर से ही कैप्शन एंड बॉटम एडिटर पर ही जाना है। जाने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव कैप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव कैप्शन में जो भी फॉरवर्ड रहेगा ये भी हट जाएगा। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो कैप्शन था यहाँ पे हट गया है। ये कैप्शन यहाँ पे था, देख सकते हैं CNKDS, ये जो लिखा हुआ टाइटल था इसका कैप्शन यहाँ से रिमूव कर दिया है। ओनली ये नीचे का जो लिंक है उसको छोड़कर यहाँ पे सभी इसी तरह है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर से वीडियो ले लेते हैं, वीडियो को फिर से फॉरवर्ड कर लेना है आपको इसी बोट में, या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं कोई भी वीडियो। तो आपको फॉरवर्ड कर लेना है। अब जैसे ही फॉरवर्ड कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो ट्रिमर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका है जो कि वीडियो के बीच में से आप कहीं से भी आप कुछ भी बीच में से काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है वीडियो ट्रिमर पर, आप पहले देख लीजिए उसके बाद से आपको समझ आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिख रहा है आपको स्टार्ट 0.01.00 एंड इतना से इतना तक एंड चाहिए। तो आपको इस तरह वीडियो को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद पहले ट्रिमर वन पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सेकेंड है इसको कॉपी कर लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही पेस्ट कीजिएगा आपको यहाँ पे जो भी सेकंड को काटना चाहते हैं, वहाँ पे 48 सेकंड था तो उसको मैंने रिमूव करके यहाँ पे 10 सेकंड कर दिया। और 10 से आपको जितना भी चाहिए, जैसे कि 10 से 40 के बीच में, तो इसको सेंड कर देना है लिख कर आपको 10 से 40 के बीच का जो वीडियो क्लिप है वो आपके सामने अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 सेकंड से जो 40 सेकंड के बीच में था उसका क्लिप जो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 30 सेकंड का जो क्लिप काटा था वो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। बहुत ही 10 सेकंड से लेकर आप देख सकते हैं 30 सेकंड जो इसका ट्रिम किया था वो यहाँ पे ट्रिम हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड टू 40 सेकंड इतने के अंदर का जो था वही भाग यहाँ से कट कर आ गया है बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये भी। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से आपको जाना है, जाने के बाद वीडियो में जाना है और इससे इसको फॉरवर्ड कर लेना है। अब जैसे ही फॉरवर्ड कीजिएगा तो आप इसको बूट में फिर से फॉरवर्ड कर लेना है। अब जैसे फॉरवर्ड कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो मार्क, यानी यहाँ वीडियो मार्क का मतलब होता है कि कोई दूसरा वीडियो यहाँ से एड करना, एक ही वीडियो में दो जो रहता है ज्वाइंट करना होता है, 5-10 आप कितना भी ज्वाइंट कर सकते हैं यहाँ से, कितनों भी आप जितना आपके पास वीडियो करना चाहते हैं एक वीडियो में। जैसे काइन मास्टर से आप कोई वीडियो को दो वीडियो को जोड़ते हैं, इसी तरह जो काइन मास्टर में आप जोड़ते हैं उससे क्वालिटी लूज हो जाती है। और इससे आप कीजिएगा तो आपका 1% लूज नहीं होगा क्वालिटी, 100% वही क्वालिटी में आपको ज्वाइंट भी कर देगा। तो आपको वीडियो मार्क पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ सेंड द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको एक न्यू वीडियो कोई दूसरा सेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रखा है तो आपको इसे फॉरवर्ड कर लेना है। तो आप इसी बूट में फॉरवर्ड कर लीजिएगा। आप जैसे ही फॉरवर्ड कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं नाउ सेंड मी दी नेक्स्ट वीडियो, आप एक और भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितना आपको करना है आप यहां से कर सकते हैं, अनलिमिटेड यहां से मार्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं दो ही मार्क करता हूं, दो ही वीडियो मैं आपको बताने के लिए रखा हूं ताकि आप समझ सकें।
तो चलिए मार्क वीडियो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ से क्लिक कीजिएगा मार्क वीडियो पर, तो आ जाएगा। यहाँ से मार्क वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क वीडियो का जो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पे मार्क वीडियो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, कौन से आपका क्वालिटी चाहिए, MP4 चाहिए या MKV। तो आप जो भी क्वालिटी चाहिए आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो चलिए आपको मैं बता दूँ, सबसे अच्छा रहेगा कि आप MP4 ही चूज कीजिए, या फिर अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से जो भी आपको क्वालिटी, जैसे कि MP4 आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे तो MKV ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो कम MB में ही बहुत ज़्यादा जो रहता है उसका क्वालिटी रहता है। तो चलिए MP4 पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो MP4 पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है वीडियो डाउनलोडिंग वीडियो नंबर 2, यानी कि जो मार्क 1 था ये हो गया है ऑलरेडी इसमें प्रोसेसिंग, दूसरा को यहाँ पे अपलोड कर रहा है, दोनों ज्वाइंट कर रहा है, वीडियो 2 को ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1:06 का हो गया है, ये देख सकते हैं 17 सेकेंड का था, और ये देख सकते हैं 48, दोनों को एक में ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 14 MB का हो गया है, ये वीडियो देख सकते हैं 7.6 MB का है, और ये देख सकते हैं 6.7 MB का है, यानी कि मिलाकर यहाँ पे हो जा रहा है 14 MB का, यानी कि दोनों का क्वालिटी एक ही में ज्वाइंट कर दिया है, कोई भी इसमें क्वालिटी आपका लूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक ही में ज्वाइंट कर दिया है। आप इस बोर्ड के मदद से आप कोई भी वीडियो को जोड़ सकते हैं बिना क्वालिटी लूज किए। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फिर से आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको फिर से, तो दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे ही इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो आपको फॉरवर्ड कर लेना है, आप फिर से इस बूट में फॉरवर्ड कर लेंगे। आप जैसे ही फॉरवर्ड कर लेंगे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो प्रोसेसिंग ले लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो मार्किंग के बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव ऑडियो। इसका उपयोग आपको पता ही होगा, रिमूव ऑडियो, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो वीडियो में है उसका ऑडियो रिमूव कर देगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट लेगा, लोडिंग लेगा, और यहाँ पे रिमूव कर रहा है, अपलोडिंग कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में से जो ऑडियो था उसको रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम वीडियो है, तो आपको यहाँ पे दिखा दें इसका जो MB है 6.7 MB में है, लेकिन इसका आप देख सकते हैं 6.3, क्योंकि इसका ऑडियो जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोट है यहाँ पे लिख रहा है ऑडियो रिमूवेड इन वीडियो, इस वीडियो से जो है ऑडियो को रिमूव कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट आपको स्टेप बता रहा हूँ। तो आपको फिर से वीडियो को क्या करना है, अपलोड कर लेना है गैलरी से या कहीं से आपको अपलोड कर लेना है, इस बोट में फिर से आपको सेंड कर देना है। अब जैसे ही सेंड करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है। तो प्रोसेसिंग लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क वीडियो एंड ऑडियो, यहाँ से मार्क वीडियो एंड ऑडियो कर सकते हैं। तो मार्क पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो एंड ऑडियो दोनों भेजकर मेरे पास अभी, यहाँ पे देख सकते हैं मार्क 1 क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से कोई भी भेजकर यहाँ से ऑडियो सेंड कर सकते हैं। नाउ सेंड ऑडियो, कोई भी ऑडियो को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ऑडियो अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से जैसे ही भेज देंगे तो डायरेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बता रहा हूँ। तो आप यहाँ, तो नेक्स्ट पहले इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद तो बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको जो भी वीडियो अपलोड करना है फिर से वीडियो को अपलोड कर लेना है। अब जैसे ही वीडियो को अपलोड कीजिएगा इस बूट में आपको अपलोड कर लेना है। अब जैसे ही अपलोड होगा आप नेक्स्ट इसका देख सकते हैं वीडियो टू गिफ, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी वीडियो है उसको गिफ में कन्वर्ट कर देगा, वो भी एक क्लिक में। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको ये सब कहीं भी नहीं मिल पाता है जल्दी ही। आप देख सकते हैं एक ही बोट में सभी इसमें फीचर अवेलेबल है। आप
इस बूट का नाम देख सकते हैं, DKLDC बूट है इसका नाम, इसको सर्च करके ले सकते हैं। पायर्ड भी ये बूट अवेलेबल है और फ्री भी इसका जो बूट है अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। वहाँ से जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही DK बूट्स का चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस आप देख सकते हैं, प्रीमियर आप ले सकते हैं, एक ईयर का ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, मैंने 1 ईयर का ख़रीदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट में आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने 1 ईयर का ख़रीदा है, यहाँ से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लोडिंग ले रहा है अभी। प्रोसेसिंग लेने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पैड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट फॉर 365 डे। आप देख सकते हैं 365 डे तक मेरा जो सब्सक्रिप्शन इसका है वो फ्री है, मैं कितना भी इसको अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ। बहुत ही लो प्राइस है इसका। प्लान लिस्ट पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सभी जो अमाउंट है आपको देखने को मिल जाएगा। प्लान वन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इस बोट में बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर। ऊपर आप जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल ओल्ड फीचर ऑफ दिस बूट। इसमें जो भी फीचर है बहुत ही अच्छा अच्छा जो फीचर इसमें ओल्ड से लेकर न्यू तक सभी अवेलेबल है। 4G अपलोड सपोर्टेड है, नो टाइम गैप है, कोई भी टाइम इसमें गैप नहीं होगा। हाई स्पीड अपलोडर है, आप अपलोड कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 49 रुपये मंथली है। और नेक्स्ट प्लान को आप क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा आपको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है। इसमें भी आप देख सकते हैं प्लान बहुत ही अच्छा अच्छा है। आप देख सकते हैं लीस एंड टोरेंट बूट फीचर इसमें एक एक्स्ट्रा है, आप इसे भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें फीचर है। आप देख सकते हैं इसमें एक ज़्यादा फीचर है, इसमें हाई स्पीड वही है, बस इसमें लीस बूट जो रहता है टोरेंट फाइल जो कि बहुत ज़्यादा MB का रहता है उसको भी इसमें अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मंथली है ओनली 60 रुपये मंथली है। आप यहाँ से प्लान 2 को भी ले सकते हैं। प्लान 3 चलिए देखते हैं। प्लान 3 पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं इसमें 2 न्यू और ऐड हो चुका है। पहले था एक लीस बूट एंड टोरेंट बूट फीचर, ये पहले ही था, इसके प्लान 2 में था, ये प्लान 3 में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो फीचर है आप यहाँ पे देख सकते हैं MDX लिंक डाउनलोडर, एक वेबसाइट है जो MDX लिंक डाउनलोडर, उसका जो लिंक रहता है यहाँ पे आप फाइल वीडियो यानी कि वीडियो आप जैसे ही कोई लिंक डालेंगे उसका, तो आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा दे रहे हैं ये जैसे वीडियो है, यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं लिंक अपलोड कीजिएगा उसका MDX.me जो रहता है वेबसाइट उसका, जैसे अपलोड कीजिएगा तो लिंक को वीडियो में डायरेक्ट ऐसे वीडियो में जो भी वीडियो रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा बहुत ही आसानी तरीके से। एक क्लिक में बस आपको वीडियो को सेंड करना है, बस उसके बाद ही आपको डायरेक्ट ही अपलोड कर देगा। इसमें एक न्यू फीचर ये भी है प्लान 3 में। आप प्लान 4 पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसका फीचर चलिए आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो है ओल्ड फीचर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये भी बताने वाला हूँ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस है बहुत ही लो है, 25 रुपये मंथली है इसलिए। और यहाँ पे एक और भी कट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MDX लिंक डाउनलोडर, जो MDX लिंक था लिंक से आप वीडियो में जो अपलोड है वो नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका प्राइस भी लो है। आप जितना ही हाई प्राइस लीजिएगा आपको उतना ही अच्छा इसमें वर्क करेगा, और वो भी इसमें लीस बूट जो है वो भी अवेलेबल है, आप अपलोड कर सकते हैं टोरेंट फाइल भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ से आप ले सकते हैं, मिरर रहता है, जीप मिरर जो भी रहता है आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारा फीचर है मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं इसमें फीचर बहुत सारा है। अभी तो यहाँ पर आपको फीचर मिला, और मैं आपको जहाँ से बता रहा हूँ इसी तरह भी आपको फीचर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्लान को बता दे रहा हूँ। प्लान जो 5 है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया थोड़ा सा वेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फीचर 1, 2, 3, 4, 5 फीचर और न्यू एड हो गया टोटल। इसमें बहुत प्लान 6 में बहुत सारा फीचर है। आप देख सकते हैं यहाँ से MDX डाउनलोडर लिंक के बाद आप देख सकते हैं ऑल
अपकमिंग फीचर ऑफ दिस बूट, जो भी इसके बाद से जो भी फीचर आएगा इस बूट में ऑलरेडी आपको ऐड मिल जाएगा फ्री में ही, उतने ही प्राइस में आपको मिल जाएगा इसमें सभी फीचर। अब यहाँ पर नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं, ही कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट न्यू फीचर फॉर दिस बूट। आप जो भी फीचर चाहते हैं आप इस बूट के ओनर के पास कॉन्टेक्ट यहाँ पे कीजिएगा, यानी माउंस यहाँ जो है वो जो भी आपको इसमें चाहिए वो ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस फीचर के मदद यानी कि प्लान 6 से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आप कह रहा है फुल सपोर्ट फ्रॉम ओनर, और इसको पूरा सपोर्ट करेगा ओनर आपको जो भी आप फीचर चाहिए उसको ऐड करने के लिए। तो चलिए प्लान 6 को आपको दिखा दें। प्लान 6 में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा वेट करना है, आप देख सकते हैं वही फीचर इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो आप प्लान 5 और 6 है एक ही है, लेकिन 6 और 5 दोनों का प्राइस भी सेम आपको मिल जाएगा 150 रुपये मंथली। इसमें भी जो है आप अपकमिंग फीचर को ऐड करा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको फिर से जाना है बैक, जाने के बाद आपको गैलरी से या फिर कहीं से भी एक वीडियो को अपलोड कर लेना है। फिर से चलिए बताता हूँ नेक्स्ट जो बता रहा था उसके बाद, तो आपको फिर से बूट में आपको क्या करना है सेंड कर लेना है। आप इस बूट में उसी टाइम अपलोड कीजिएगा जब आप इसका प्रीमियर खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो इस बूट का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैड बूट है, फ्री भी बूट अवेलेबल है, इनका चैनल में जाकर आप ले सकते हैं वहाँ से, फ्री में बहुत कम फीचर दिया है। और ये लीजिएगा तो आपका अनलिमिटेड फीचर इसमें अनलॉक है, आप जितना भी चाहिएगा उतना भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बूट में एक और खासियत है जो कि फ्री बूट जो आप यूज कीजिएगा उसमें एक आपको यही घाटा होगा, 4GB अपलोडर जो लिंक रहता है वो अपलोड आपको नहीं करेगा क्योंकि पैड बूट में 4GB लिंक आपको सपोर्टेड है। आप वहां से 4GB लिंक यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है यहां पे 4GB अपलोडर सपोर्टेड, यहां से 4GB जो लिंक रहेगा उसको आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें जो है 4GB तक नहीं दिया है, उससे बहुत ही कम है वहां, उसमें जो फ्री वाले में है तो 2GB तक ही आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। और जो पैड आप लीजिएगा इसमें 4GB तक जो अल्ट्रा 4 के रहता है उस वहाँ तक आप यहाँ तक अपलोड कर सकते हैं इस बूट में, और उसमें 480p पार ही करेगा तब तक 2GB हो जाएगा, तो आपको थोड़ा लो क्वालिटी का जो वीडियो रहेगा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट फीचर को बताते हैं। तो वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो इसको अपलोड कर लेना है, जैसे ही अपलोड कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्रोसेसिंग ले लेगा। उसके बाद से था वीडियो टू गिफ, तो वीडियो टू गिफ पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चूज करने को यहाँ पे बोल रहा है क्लिक टू बटन ऑफ योर चूज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तक आपको यहाँ आप समझ रहे होंगे कि आप कि यहाँ पे जो काउंट नंबर क्यों दिया है, तो आप यहाँ पे ऊपर पहले रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट दी ड्यूरिंग ऑफ गिफ्ट इन सेकेंड, यानी कि कितने सेकेंड के अंदर में आपको गिफ्ट चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो 48 सेकेंड का है, लेकिन आपको कितने सेकेंड का अंदर का गिफ्ट चाहिए, एक सेकेंड या 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने सेकेंड। तो चलिए 5 सेकेंड को आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 5 पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सेंड टू स्टार्ट टाइम फॉर गिफ्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा कितने टाइम का चाहिए, तो आप चलिए 5 फिर से क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रोसेसिंग ले रहा है तो मीडिया डाउनलोड सक्सेसफुल हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है कुछ फेल हो गया है एरर के वजह से, आप यहाँ से इसी तरह करके इसका भी निकाल सकते हैं, कुछ एरर आ गया फिर से ट्राई कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फीचर आपको बता दे रहा हूँ। तो फिर से तो दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस जो बूट
को यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें फीचर है। YTDL यानी कि YTDL का आपका मतलब ही समझ में आ जाएगा, यानी कि YTDL सपोर्टेड लिंक, यानी YT का जो लिंक रहेगा वो भी इसमें सपोर्ट करेगा। उसको अपलोड कीजिएगा तो डायरेक्ट उसका वीडियो अपलोड कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है, क्लोन लीचर सबको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपलोड कर देना है, सभी आपको यहाँ पे ले लेगा। यानी कि आपको क्या करना है, वाइट यूट्यूब का जो रहता है उसका प्लेलिस्ट आपको अपलोड करना है, वो भी इसमें अपलोड कर देगा। आप एक प्लेलिस्ट में 100 वीडियो, 1000 वीडियो, कितना भी वीडियो रहेगा ये अपलोड कर देगा। बिना आपका MB खर्च हुए ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई कोई और वीडियो ले लेना है और फिर उसको उसमें फॉरवर्ड करना है। देखिए मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको आपको बोट में फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर लोडिंग ले लिया, और यहाँ पर स्क्रीन शॉट का ऑप्शन आ रहा है। ये वीडियो के इस पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो के अंदर से जो भी स्क्रीन शॉट होगा ये निकाल कर देगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्क्रीन शॉट, क्लिक द बटन ऑफ योर चॉइस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना स्क्रीन शॉट निकालना है उसका पूछ रहा है। तो मैं इसमें 2 स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ, इस पर मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए प्रोसेसिंग लेने लगा, वीडियो डाउनलोड सक्सेसफुल, 1 स्क्रीनशॉट जनरेट कर लिया है, अब दूसरा कर रहा है। देखिए इस वीडियो में कुछ इशू आ रहा है इसलिए इसमें का स्क्रीनशॉट ये जनरेट नहीं कर पाए। मैं दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, वो कम देर का था इसलिए उसका स्क्रीनशॉट वो जनरेट नहीं कर पाया। मैं दूसरा इसमें वीडियो सेंड कर रहा हूँ, देखिए फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ से मैं 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर वीडियो डाउनलोडिंग करने लगा, यहाँ पर सक्सेस हो गया डाउनलोडिंग। देखिए यहाँ पर दोनों स्क्रीनशॉट जनरेट हो गया है, अब यहाँ पर अपलोडिंग कर रहा है स्क्रीनशॉट को। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है, फिर उसके बाद से फिर आप इस वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड कीजिएगा, कोई भी वीडियो को आप गैलरी से कर लीजिए या कहीं भी टेलीग्राम पर कर दीजिए। इसके बाद से देखिए यहाँ पर मैनुअल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको सेकेंड पूछेगा आप कितना सेकेंड के बीच में का इसमें का चाहिए स्क्रीनशॉट। देखिए मैं यहाँ पर जितना भी चाहिए इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम इसमें 10 स्क्रीनशॉट इसमें कर सकता है ये। तो मैं यहाँ से जो सेकेंड लिखा है उसको कॉपी कर ले रहा हूँ एग्जांपल वाला, और यहाँ पर मैं इसको भेज दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग करने लगा वीडियो को, यहाँ पर जनरेटिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड जनरेट कर लिया है, अब अपलोड कर रहा है स्क्रीनशॉट को। थोड़ा सा हम वेट कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर अपलोडिंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर अपलोड सक्सेस हो गया। देखिए यहाँ पर उसने स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दिया, उसके बाद से फिर आप वीडियो को इसमें सेंड कोई कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर देखिए जनरेट सैंपल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पूछेगा कितने सेकेंड का आपको वीडियो का सैंपल चाहिए। आप 30 सेकेंड का भी कर सकते हैं, यहाँ पर 7 सेकेंड भी है, 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, 150, 180, डिफ़ॉल्ट पर आप क्लिक कर दीजिए तो वो कर देगा। मैं 30 सेकेंड का स्क्रीन इसमें से वीडियो सैंपल जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वीडियो लिया, यहाँ पर लिख रहा है फॉर वीडियो सैंपल जनरेटिंग मिनिमम डिस्टेंस शुड बी एट लास्ट 3 मिनट। अगर आप 30 सेकेंड का जनरेट करना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम में ये 3 मिनट का वीडियो मांग रहा है, तो मेरे पास 3 मिनट का अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इसी से काम चला रहा हूँ। इसको आप डालिएगा तो आपको फिर से मिल जाएगा, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा रहना चाहिए, मिनिमम 3 मिनट इसमें दिया है। उसके बाद से यहाँ पर वीडियो टू ऑडियो, अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब वो पूछ रहा है यहाँ पर कि आप इसको कौन से फॉर्मेट में इसको अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि MP3 है, AC3 है, वेब है, FLAC है, OGG है, यहाँ पे M4A है, तो मैं इसको MP3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखिए इसने
वीडियो डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर कन्वर्टिंग कर रहा है, अब यहाँ पर ये अपलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर उसने ऑडियो को अपलोड कर दिया है। फिर से आप कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद से आपको ऑप्शन मिल जाता है वीडियो कन्वर्टर का। आप वीडियो कन्वर्टर पर दबेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप इसे किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जैसे कि MP4 में करना चाहते हैं, MKV में, या ये फाइल होगा तो आप इसको वीडियो में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, या वीडियो का फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको MKV में पहले कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसमें साउंड जैसे कि कितने वीडियो में मल्टीपल होता है, मतलब कि दो तीन ऑडियो होते हैं, मतलब अलग अलग भाषा के, कि या आप कोई एक सिंगल ही को करना चाहते हैं, तो मैं इस पर मल्टीपल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें जितना भी ऑडियो होगा मल्टी सब इस वीडियो में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लोडिंग ले रहा है कन्वर्टिंग, यहाँ पर देखिए ये फाइल को अपलोडिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने MKV में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। मैं फिर दोबारा से इस वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं फिर से इसे भेज दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं फिर वीडियो कन्वर्टर पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर इसके बाद से मुझे इसको फाइल में कन्वर्ट करना है, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग कर रहा है कन्वर्टिंग, अब इसको ये फाइल में अपलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर सेंडिंग ए फाइल लिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसने फाइल में इसको कन्वर्ट कर दिया, पीछे EMP4 में है तो इसको यहाँ पर MKV बना दिया है। देखिए मैं फिर इसके बाद से मैं फाइल को इसमें भेज दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। फिर उसके बाद से देखिए मैं ये वीडियो ऑप्टिमाइज़ पर इस पर क्लिक करूँगा तो इसको ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा इस फाइल को। देखिए यहाँ पर कन्वर्टिंग कर रहा है, अभी अपलोडिंग करना चालू कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले रहा है। देखिए यहाँ पर हो गया, अपलोड कर दिया इसने फाइल को। फिर हम इस फाइल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसी को इसमें भेज दे रहे हैं। आप दूसरा भी वीडियो चाहें तो इसको भेज दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर वीडियो रीनेम का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा वीडियो रीनेम पर। तो पूछेगा कि आपको किस टाइप में इसको अपलोड करना है, रीनेम कर वीडियो में कन्वर्ट भेजना है या फाइल में। तो मैं इसको वीडियो में ही चाहता हूँ, रीनेम इसको करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसको इसमें बूट में फिर फॉरवर्ड कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक फीचर है वीडियो रीनेम का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इससे इसका नाम भी चेंज कर पाएंगे जो लिखा होता है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर रीनेम एज वीडियो और यहाँ पर रीनेम एज फाइल, मतलब कि अगर आप रीनेम एज वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो में इसको भेजेगा, अगर फाइल पर सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल में भेजेगा इसको। तो हम रीनेम एज वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसका कोई सा भी नाम रख दे रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पर रख कर इसे भेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसने डाउनलोड कर लिया, रीनेम कर रहा है। उसके बाद से देखिए ये उसको अपलोडिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने इसका नाम चेंज कर दिया है। फिर हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको इसमें फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है वीडियो इंफॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपको मीडिया के, इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन जनरेट करने का है। एक एफ पर भी रहेगा, एक मीडिया इन्फो। तो हम इसमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग होने लगा, अब इंफॉर्मेशन ये कर रहा है। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसने निकाल दिया है। अब हम इसको ओपन करके देख रहे हैं। मेरे फ़ोन में कोई भी ऐप ओप नहीं है जिसके ज़रिए मैं इसको देख पाऊँगा, इसलिए मैं इसको नहीं देख पाऊँगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। मैं फिर दोबारा से सेकेंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने दूसरा मीडिया इन्फो क्लिक किया और दूसरा ऑप्शन मीडिया इन्फो पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग कर रहा है, इसके बाद से इंफॉर्मेशन एक निकाल रहा है। देखिए इसने इसका इंफॉर्मेशन निकाल दिया।
देखिए यहाँ पर कंप्लीट नेम लिख दिया है, यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया MP4 EG4, यहाँ पर फॉर्मेट प्रोफाइल भी दिया है, बेस मीडिया है, यहाँ पर देखिए फाइल साइज भी दे दिया है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पर इसने, यहाँ पर दे दिया इनकोडेड डेट टारगेट टैगेट डेट, यहाँ पर इसका आईडी भी लिख दिया है, इस DC ID यहाँ पर दिया है वीडियो का वन है, यहाँ पर देखिए बिट रेट भी यहाँ पर इसने शो कर दिया है, इसका वाइट भी यहाँ पर शो किया, हाइट भी यहाँ पर इसने दे दिया है उसका, यहाँ पर देखिए इसने बहुत सारे उसके इंफॉर्मेशन निकाल दिए हैं, बहुत जल्दी इसने इसको निकाल दिया है इसका इंफॉर्मेशन। फिर से हम वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको हम इसमें फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, वो देखिए प्रोसेसिंग ले यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर एक ऑप्शन रहे क्रिएट और जीप, इसका मतलब ये जीप फाइल में इसको क्रिएट कर देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए आफ्टर सेंडिंग ऑल फाइल क्लिक ऑन डन, अगर और भी फाइल इसमें डालना चाहते हैं तो इसको आप सेंड कर दीजिएगा, फिर इसके बाद हमें एक ही फाइल को करना है तो हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर डन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए मैक और चिप का ऑप्शन है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसको जीप फाइल बना देगा। यहाँ पर सब टाइप पूछ रहा है कौन से टाइप में चाहिए, जीप फाइल में चाहिए कि 7Z में चाहिए या रार में, हमें जीप फाइल में चाहिए इसलिए हम जीप फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब पूछ रहा है आप इसको इस पर पासपोर्ट कोई रखना चाहते हैं, तो हम इस पर पासपोर्ट रख दे रहे हैं, यहाँ पर हम डीके कर ले रहे हैं भेज दे रहे हैं, जी मैं हम इसे दोबारा से एक बार फिर सेलेक्ट कर इसको चेक कर ले रहे हैं कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पर डन पर क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ पर मैक अर्जी पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमने इसका टाइप सेलेक्ट किया, डू यू वांट टू सेट ए पासपोर्ट ऑन अर्जी, यहाँ पर यस लिख दे रहे हैं, यस YouTube वीडियो डाउनलोड करना है तो ये बहुत आसानी से YouTube वीडियो भी इससे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर YouTube वीडियो के ऊपर लिंक भेजते हैं बूट में, देखिए यहाँ पर हमने लिंक भेज दिया, यहाँ पर थंबनेल डाउनलोडर भी इसमें दिया हुआ है, YouTube म्यूजिक भी दिया है, YouTube वीडियो भी कर सकते हैं, यहाँ पर YouTube ट्रिमर भी दिया है,
या इसको डायरेक्ट लिंक में भी आप क्रिएट कर सकते हैं वॉच करने के लिए ऑनलाइन। इतना इसमें ऑप्शन दिया है। हम पहले वीडियो को डाउनलोड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम यूट्यूब वीडियो डाउनलोड पर क्लिक किए। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पर आप कौन सा क्वालिटी इसको चाहते हैं उस वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जितना क्वालिटी में वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा वो सारे क्वालिटी यहाँ पर शो करेगा। ये 360p ले ही अपलोड हुआ है इसलिए 360p तक दिखा रहा है। तो हम 360p इसको डाउनलोड कर रहे हैं। अब देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग कर रहा है। तो देखिए इसने 88 MB हमें डाउनलोड कर लिया है। देखिए यहाँ पर अपलोडिंग कर रहा है वीडियो को। यहाँ पर देखिए अपलोडिंग कर रहा है वीडियो को। 35 MB तक अभी अपलोड कर दिया है। देखिए देखिए यहाँ पर इसने अपलोड कर दिया है वीडियो को। इसके बाद से हम नेक्स्ट इसमें का URL वाला फीचर को आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हमने लिंक को इसमें भेजा। तो यहाँ पर थंबनेल डाउनलोडर का ऑप्शन है। हम थंबनेल डाउनलोडर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए प्रोसेसिंग ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसने थंबनेल अपलोड कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसके बाद से हम अगला फीचर इसका देख ले रहे हैं। लिंक देखिए मैंने हम दोबारा लिंक सेंड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम लिंक को कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है YouTube ट्रिमर का ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए अब पूछ रहा है कि आपको कितना स्टार्ट टाइम का इसका डिस्टेंस चाहिए। देखिए टोटल डिस्टेंस इतना है तो हमको चाहिए 1 घंटा से इस वीडियो को। यहाँ से हम 0-0 कर ले रहे हैं। इसको भी हम यहाँ से 0-0 कर दे रहे हैं। यहाँ पर अब इन टाइम पूछ रहा है कहाँ तक लास्ट आपको चाहिए। तो हमको यहाँ से पूरा चाहिए। इसके बाद से यहाँ पर हमने भेज दिया। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोडिंग कर रहा है। यहाँ पर ये ट्रिम कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने ट्रिम कर दिया है और अपलोडिंग कर रहा है वीडियो को। देखिए यहाँ पर अपलोडिंग उस वीडियो को कर रहा है। यहाँ पर लोडिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर वीडियो अपलोड हो गया है। यहाँ पर ट्रिम किया है जहाँ से यहाँ पर देखिए इसने वहाँ से अपलोड कर दिया। इसके बाद से हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर इसका देख ले रहे हैं। यहाँ पर दिया है मेक डायरेक्ट या एचटीएमएल लिंक। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए उसका प्रोसेसिंग ले रहे हैं। देखिए पूछ रहा है कौन से क्वालिटी में आपको चाहिए। तो हमको चाहिए 360p में। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर स्ट्रीमेबल लिंक को क्रिएट कर दिया। फिर से हम इसको लिंक को कॉपी कर फिर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिंक शॉर्ट एंड ऑन शॉर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पूछा है कि आपको शॉर्ट करना है कि ऑन शॉर्ट। तो हम शॉर्ट कर रहे हैं इस लिंक को।
यहाँ पर देखिए बिट डॉट एल वाई में इसने इसने शॉर्ट कर दिया। आप खोलेंगे तो ये डायरेक्ट इस वीडियो को ओपन कर देगा। बाद से आप और कोई ऑडियो को भी सेंड करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए मैंने एक ऑडियो यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैं बूट में फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ प्रोसेसिंग देखे देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं जैसे स्लोड एंड रिवर्स ऑडियो कन्वर्टर कैरोक। यहाँ पर ऑडियो मार्कर भी दिया हुए है, ये 3D कन्वर्टर भी है, म्यूजिक इक्वलाइजर भी है, बेस बूस्टर भी है, ट्रेबल बूस्टर भी है, ऑडियो ट्रिमर भी है, ऑटो ट्रिमर भी यहाँ पर दिए हुए। देखिए यहाँ बहुत सारे रीनेम ऑडियो का भी ऑप्शन है, MP3 टैग एडिटर भी है, यहाँ पर स्पीड चेंज भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए वॉइस चेंज का भी ऑप्शन दिया हुआ, वॉल्यूम चेंज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर मीडिया इन्फो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें दे देगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कॉम्प्रेस ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए हम पहले इसको चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम पहले स्लो रिवर्स पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर बेस रेंज 5 रख से ट्रेबल, यहाँ पर ऑडियो स्पीड, यहाँ पर से आप सिलेक्ट सेटिंग से आप सब कुछ यहाँ से देखिए यहाँ पर ऑडियो सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑडियो क्वालिटी कितना में अपलोड करना है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ ऑडियो स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्रेस ऑडियो यहाँ पर 5 है, आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ट्रेबल बूस्टर भी है, ऑडियो वॉल्यूम कितना रहेगा यहाँ पर देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया। मैं इसको 180 पर भी यहाँ पर रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सेटिंग में भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर रीनेम फाइल, आप फाइल को कोई भी रीनेम करने का आपको पूछेगा वहाँ पर ऑन कर देंगे तो। यहाँ पर थंबनेल भी ऑप्शन, आप कोई भी थंबनेल इसमें फ़ोटो सेंड कर देंगे तो वो कस्टम थंबनेल हो जाएगा। हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए मीडिया डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, देखिए यहाँ पर कन्वर्टिंग हो रहा है, यहाँ पर अब ऑडियो को अपलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने बेस रेंज को चेंज कर दिया है 5, ट्रेबल यहाँ पर रिवेंज 5 कर दिया है, ऑटो रिवेंज भी यहाँ पर से रिवर्ब भी चेंज कर दिया है, यहाँ पर स्पीड चेंज भी है, यहाँ पर 100% है जितना सेट किया गया था नॉर्मल में। देखिए हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए हम अगला ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में माइक लगाए हैं इसलिए वॉइस इसमें नहीं सुनाई दे रहा है बाहर। यहाँ पर हम ऑडियो कन्वर्टर पर क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखिए ये MP3 में है, इसको चाहते हैं आप AC3 में करने के तो हो जाएगा, वेब में भी हो जाएगा, FLC में भी, OGGB का भी ऑप्शन है, OPUS का भी ऑप्शन है, SSC इसमें भी दिया हुआ है, M4A भी दिया हुआ है, AIFF दिया हुआ है, WMN भी दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन, मैं OGGB में इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए मीडिया को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर कन्वर्टिंग हो गया, अब ये इस फाइल को अपलोड करेगा। देखिए यहाँ पर इस फाइल को इसने अपलोड कर दिया है OGGB में, फिर से हम इस फाइल को इसमें सेंड कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट ऑडियो का ऑप्शन है, इसमें इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी फाइल चाहें तो इसमें सेंड करें, पूछ रहे तो हमें कोई एक ही फाइल को करना है तो हम डन कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैक अर्शिप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा कौन से में चाहिए, तो यहाँ पर जीप फाइल भी दिया हुआ 7Z एरर, तो हम इसमें 7Z को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 3 गो लग जाएगा, आपको यहाँ पर स्किप का है, बिना पासवर्ड को रखना चाहते हैं पासवर्ड को, ये भी पूछ रहा है तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। देखिए इसको स्किप कर दें तो यहाँ पर ऑडियो डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर रहा है, देखिए यहाँ पर अपलोडिंग कर दिया जीप फाइल में इसको कन्वर्ट कर कर। उसके बाद से हम इसको दोबारा से इसमें करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर करो कर दिया था, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये लोड ले रहा है।
इसमें लगेंगे, थोड़ा सा इशू है। हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियो मार्कर का अभी ऑप्शन है, तो मेरे पास एक ही ऑडियो है अभी, इसलिए मैं दूसरा ऑडियो भी का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर एडी कन्वर्टर भी दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपको चूज एडी साउंड टाइप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अपने हिसाब से इसको चूज करना है। मोड आर साइंट ट्रेंगल स्क्वायर, यहाँ पर सेप अप एंड सेप डाउन, सिंस एंड ट्रेंगल मोड आर माई, क्लिक ऑन बटन ऑफ योर चॉइस, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हम ट्रेंगल इसमें सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपको कितने सेकंड पर करना है इसको। चूज एडी साउंड मोड लूप रिपीटिंग डिस्टेंस इन सेकंड, तो हम यहाँ पर 5 सेकंड डाल दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, ये 6 सेकंड का है ही। यहाँ पर देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया है, फिर से हम इस ऑडियो को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको इसमें दोबारा से भेज दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए म्यूजिक म्यूजिक इक्यूलर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किए तो यहाँ पर कन्वर्टिंग कर रहा है। कन्वर्ट कर यहाँ पर देखिए म्यूजिक उसने अपलोड कर दिया। फिर से हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस म्यूजिक को इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा है दे रहा है ऑप्शन बेस बूस्टर, हम इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए बेस को बढ़ा रहा है, इसको आप सेटिंग में से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप सेंड कीजिएगा स्लेज सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑडियो का सेटिंग। यहाँ पर देखेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेस बूस्टर को आपको बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कितना रेंज पर उसको करना है बेस रेंज। तो मैं इसको नहीं बढ़ाने वाला हूँ, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, बेस रेंज को यहाँ से बढ़ा लीजिएगा तो इधर भी वो बढ़ा देगा, नहीं तो वो नॉर्मल ही कर देगा इसको जैसा था। इसलिए पहले सेटिंग में से आप चेंजिंग कर लीजिए जितना बेस रखना है, उसके बाद से उस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा तभी वो चेंज करेगा, नहीं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी उसमें सेटिंग में आपको देखेंगे दे रहे हैं, ट्रेबल वाला भी यहाँ पर ये भी 5 पर है, इसको भी आप बढ़ा दीजिएगा तो ये उसको चेंजिंग कर देगा, नहीं तो उस उतना ही पर वो कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो ट्रिमर का, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर मीडिया डाउनलोड कर लिया। अब पूछ रहा है कि स्टार्ट टाइम आपको कितने सेकंड से चाहिए, तो हमारा तो यहाँ पर 6 सेकंड का ये है, तो हम यहाँ से 2 सेकंड कर ले रहे हैं। अब इन टाइम पूछ रहा है तो हम 6 ही रख दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर का मेरा ऑडियो नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑडियो को ट्रिम कर दिया है, अब उसको अपलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पर 4 सेकंड हो गया, 2 सेकंड मैंने काटा था। देखिए मैं फिर इसको कॉपी करके फिर मैं इसी फाइल को भेज रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रिमर के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बीच में से कहाँ कहाँ से आपको ऑडियो को ट्रिम करना है। देखिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, मेरा ज़्यादा देर का नहीं है इसलिए मैं इसमें सेलेक्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। सिलेक्ट दी स्ट्रीमिंग डिस्टेंस को आपको सिलेक्ट करना है, तो मेरा तो 5 ही सेकंड में कर ले रहा हूँ, ज़्यादा सेकंड का नहीं है मेरा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 सेकंड भेज दिया, 2 सेकंड और यहाँ पर 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड ले हो गया, वो 4 सेकंड का था तो थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं फिर से इसको ऑडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसमें भेज दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको रीनेम ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप ऑडियो का नाम चेंज कर पाएंगे। देखिए मैंने रीनेम, यहाँ पर पूछेगा आउटपुट ऑडियो नेम, तो मैं यहाँ पर DK रख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मीडिया को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर देखिए DK नाम से एक और
नया पर यहाँ पर नाम चेंज कर दिया था, यहाँ पर देखिए 22 जनवरी यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद से मैं फिर से इस ऑडियो को इसमें सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर MP3 टैग एडिटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर उसका टाइटल पूछेगा, तो हम टाइटल यहाँ पर कुछ भी रख दे रहे हैं। यहाँ पर एल्बम नेम, आपने प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके देखिएगा तो ये सब आपको मिलेगा पीसी में बहुत आसानी से। उसमें इसको भी आप, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, देखिए उसके बाद से ऑडियो कमेंट, मैं ऑडियो कमेंट में कुछ भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से ऑडियो लाइब्रेरीज में आप कुछ भी आप अपने हिसाब से सब डाल दिया। आर्टिस्ट नेम पूछेगा तो आप भी आर्टिस्ट का कोई भी आप जो चाहते हैं वो नाम डाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर एल्बम आर्ट इमेज को भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, मेरे पास में इतना नहीं है इसलिए। यहाँ पर देखिए टैग कर रहा है एडिटिंग, यहाँ पर देखिए नीचे डी था यहाँ पर ऐसे लिखे थे वो भी यहाँ पर आ गया है ये सब। यहाँ पर उसका टाइटल नेम भी डी रखे थे तो टाइटल नेम डी रखा गया। फिर से हम इस ऑडियो को सिलेक्ट करके इसमें भेजते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीड चेंज का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये मीडिया का डाउनलोड कर दिया, ये चेंजिंग स्पीड कर रहा है। ये भी ऑप्शन आपको सेटिंग में मिल जाएगा इसके स्पीड को करने का। देखिए मैं सेटिंग में दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से आप सेटिंग खोलिएगा और यहाँ पर ऑडियो सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑडियो स्पीड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप जितना भी ऑडियो का स्पीड रखना चाहते हैं कर दीजिएगा। यहाँ पर आप 200 भी कर सकते हैं, 200 पर मतलब कि वो जैसे 2x नहीं होता उसी तरह यहाँ पर भी वर्क करेगा उसी तरह उसका स्पीड। तो ये नॉर्मल 100 पर ही कर दिया क्योंकि मेरा 100 पर डिफॉल्ट यहाँ पर सेट है। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर से मैं इस ऑडियो को भेज दे रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा लोड ले रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये भी डाउनलोड कर रहा है, ये भी वॉल्यूम ऑप्शन आपको सेटिंग में दिखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए ऑडियो वॉल्यूम मैंने 180 किया था तो यहाँ पर देखिए ऑडियो वॉल्यूम 180 कर दिया, और बीट रेट 128 भी किया था तो यहाँ पर उतना हो गया है। देखिए यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते, ऑडियो क्वालिटी कितना रहेगा। तो मैं फिर से ऑडियो को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और इसको दोबारा से मैं इसमें दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन का भी मिल जाएगा और कॉम्प्रेस ऑडियो, हम कॉम्प्रेस ऑडियो पहले देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑडियो को कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये 106 KB का था तो यहाँ पर 60 KB का हो गया है सिर्फ।